आपको देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मालूम है ना, गुजरात दंगे का मुकदमा चला, मालूम ही होगा। तो ये दागी हुए कि नहीं हुए? अमित शाह तड़ी पार गुजरात से हुए थे, इससे भी बड़ी कोई सजा हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए? ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ यदि इस देश में कोई है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर भ्रष्टाचार की कोई जड़ है तो हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। ये जब तक जीवित है नरेंद्र मोदी और जब तक जीवित है अमित शाह, ये इतने भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं कि ये आजीवन कारावास में सड़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री खुद ही दागी हैं, भारत के गृह मंत्री खुद ही दागी हैं, तो यदि इनके मुख से दागी मंत्री दागी विधायक की बात शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है वो बिहार में अभी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। बिहार के एमएलए विधायक उनको अभी दागी नजर आ रहे हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन के ऊपर 2 साल पहले एक रेप केस का मामला दर्ज हुआ था, अब जाके FRI की वो भी हाई कोर्ट ने दिल्ली ने कहा। तो आपको याद होगा चीट फंड घोटाला, शारदा घोटाला जो आपको हुआ था, ये बंगाल में मुकुल राय के ऊपर खूब हल्ला कर रहे थे ये लोग, ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर खूब इन्होंने हल्ला किया था, दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी ने उस दागी को बाहर का रास्ता दिखाया तो कुछ ही क्षण के बाद वो दागी गंगा जल की तरह पवित्र होके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तब भारतीय जनता पार्टी को उसमें दोष नजर नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करना, उसके लिए उन्होंने देश की जानी मानी मीडिया को खरीद रखा है। इनका सारा काम गोदी मीडिया, मोदी की मीडिया या अडानी की मीडिया या मुकेश अंबानी की जो मीडिया चल रही है देश में, ये सरकार के लिए काम करते हैं और विपक्षी पार्टियों के लिए बदनाम करने का विपक्षी पार्टियों को काम करते हैं। तो आपको देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मालूम है ना, गुजरात दंगे का मुकदमा चला, मालूम ही होगा। तो ये दागी हुए कि नहीं हुए? अमित शाह तड़ी पार गुजरात से हुए थे, इससे भी बड़ी कोई सजा हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए? ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे जिस देश का राजा चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, लुटेरा हो, डकैत हो और क्या कहते हैं रेपिस्ट हो, रेपिस्टों को बचाने का काम कर रहा हो, जिसको सजा हो गई हो उम्र कैद की, वो व्यक्तियों को बचाया जा रहा है, तो भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा दे रहा है, क्राइम को कौन बढ़ावा दे रहा है, रेपिस्टों का मनोबल कौन बढ़ा रहा है, ये हम लोग समझ सकते हैं। और हम लोग पूरे देश की जनता, छोटा छोटा बच्चा भी इस राजनीतिक को, अब इस घटिया राजनीतिक को समझने लगा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं ही भ्रष्ट हैं, हमारे देश के गृह मंत्री स्वयं ही भ्रष्ट हैं और ये भ्रष्टाचार के ऊपर बातें करते हैं और बड़ी बड़ी डींगे डांगे हाँकते हैं। दूसरी बात, दिल्ली में एक लोकतंत्र सोशल मीडिया टीवी चलता था, उनको इन्होंने बैन कर दिया है। सोशल मीडिया पे काफी उनकी वीडियो चलती थी, मेरी भी वीडियो उन्होंने काफी उठाई और वायरल भी हुई। इनको तो इतना डर लगता है कि देश में यदि कोई सच बोल दे, कोई इनको आईना दिखा दे तो इनसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ यदि इस देश में कोई है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर भ्रष्टाचार की कोई जड़ है
तो हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। ये दोनों ऐसे भ्रष्टाचार की जड़ हैं। उदाहरण चाहिए, एमएलए कौन खरीदता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरीद के गिराती है ना। अभी वैसा ही संकट आपको क्या कहते हैं झारखंड में भी चल रहा, किस टाइम में सरकार गिर जाएगी कोई पता नहीं। कौन ईडी का डर दिखा रहा है, कौन ईडी से छापेमारी करवा रहा है, कौन सीबीआई रेड करवा रहा है? दिल्ली में ही देख लो, अरविंद केजरीवाल को 3 से 4 बारी अभी तक सीबीआई रेड पड़ चुकी है। क्यों? और भारत में नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई पार्टी है। अगर मैंने कल भी कहा था, फिर आज कह रहा हूं कि यदि निष्पक्ष देश में जांच हो, तो जब तक जीवित है नरेंद्र मोदी और जब तक जीवित है अमित शाह, ये इतने भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं कि ये आजीवन कारावास में सड़ेंगे। लेकिन नहीं, अगर यदि निष्पक्ष जांच हो, कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीतिक घटिया इतनी है जिसके कारण से ये चोर उचक्के नेता हमारे देश के राजा बनके हम शरीफ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और उनको चूसने का काम कर रहे हैं, हमारे देश की भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट तंत्र। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।